इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां पैरोल में छूटा कैदी फरार हो गया है। जेल लौटकर न आने पर कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने कैदी सहित जमानतदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय जेल रीवा में सजा काट रहा बंदी रामराज साकेत पिता साधुलाल साकेत निवासी भाटी थाना रायपुर करचुलियान फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जमानतदार रमेश काछी निवासी गजवार थाना मझौली जिला सीधी को भी आरोपी बनाया गया है। बताया जाता है कि पैरोल पर गया कैदी वापस नहीं आया, जिसके खिलाफ 224-109 की धारा के तहत अमहिया पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस फरार कैदी की तलाश कर रही है। बताया जाता है कि अमहिया पुलिस ने केंद्रीय जेल में तैनात कर्मचारी उपेंद्र द्विवेदी की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए सभी थानों को इसकी सूचना दे दी है। जय हिंद, जय राष्ट्रकांत। हमारा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव मना रहा है। इस पावन पर्व पर पूरे विंध्य के युवाओं को, विंध्यवासियों को, नई गढ़ी जनपद के लोगों को, जिले के लोगों को और पूरे प्रदेशवासी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवाओं से खासकर अपील है कि वो नशा मुक्त हों और बेहतर भविष्य के लिए आगे आएं। हमारे युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को दाम मिले और हमारा युवा एक प्रगति के पथ पे और भारत के विकास में युवा का युवा अग्रणी रहे, ये हमारी युवा के युवाओं से प्रार्थना है। और छोटे भाइयों को ये संदेश है कि वो नशे का परित्याग करें, शिक्षा के क्षेत्र पे काम करें, अपने छोटों का सहयोग करें, बड़ों का सम्मान करें। एक बार फिर इस अमृत महोत्सव के आज़ादी के इस महान पर्व पे सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामना। जय हिंद, वंदे मातरम।